ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो आज की ये वीडियो किसी भी टॉपिक पर नहीं है, आज की ये वीडियो है क्वेश्चन आंसर राउंड के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे चैनल पे जिनकी रिप्लाई लिख के नहीं दे पा रही थी, और फिर मैंने सोचा कि लिख के रिप्लाई देने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बनाकर इसका रिप्लाई दूँ, क्योंकि लिख के अगर मैं रिप्लाई देती टाइप करके तो उसको हर कोई नहीं पढ़ पाता, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है। इसीलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ, जिससे कि सब लोग वीडियो को देखेंगे और अगर ये क्वेश्चंस और लोगों के भी हैं आप में से तो उन लोगों को भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो तो आपसे कोई पार्ट मिस हो जाए और आपकी जो है जानकारी वो बिल्कुल अधूरी रह जाए। इसीलिए वीडियोस को पूरा देखा करो। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी तक मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पास बेल का बटन होगा और उसके पास में ही बेल आइकन का भी बटन होगा, दोनों को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को और पर प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ना पहुँच नहीं पाते और आप लोगों से वीडियोज मिस हो जाती हैं। तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों की क्वेश्चंस ना लिख लिए थे ताकि किसी का कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब देने का, लेकिन अगर वीडियो बड़ी होती है तो मैं आधे क्वेश्चंस का ही आज जवाब दूंगी इस वाली वीडियो में, और मैं एक और पार्ट बना दूंगी इसके बाद। तो अगर आपका क्वेश्चन मिस हो जाए और मैं उसका रिप्लाई ना दे पाऊँ तो वेट कीजिएगा, सेकेंड वीडियो जल्दी बनाऊँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मंजू मेघवाल जी का, ये पूछ रही है कि मैम सॉफ्ट वाटर जो है वो कैसे बनाना है। तो देखिए मंजू जी, सॉफ्ट वाटर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप रात को एक चम्मच सौंफ को एक ग्लास पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको छान कर पी लीजिए, और अगर आपको लगे कि ये वाटर ठंडा है मुझे नुकसान करेगा तो आप उस वाटर को बॉयल कर लीजिए और फिर उसको जब वो पीने लायक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब उसको इनटेक कर लीजिए। सेकेंड मेथड है इसका कि आप अगर रात को सौंफ भिगोना भूल जाती हैं, है ना, और आपको पीना है सौंफ वाटर, तो आप सुबह डायरेक्ट एक ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिएगा, उसमें एक चम्मच सौंफ का डाल के उसको बॉयल कर लीजिए। जब पानी थोड़ा सा जल जाएगा, लगभग एक ग्लास करीब रह जाएगा, तब उसको छान लीजिए। जब वो पीने लायक हो जाए गर्म तो उसको सिप सिप करके इनटेक कर लीजिए। आपका सौंफ वाटर दोनों ही मेथड से वर्क करेगा। दूसरा क्वेश्चन है मन्नू शेखर जोशी जी का, ये पूछ रही है कि दी मेरे फेस पे पिंपल बार बार क्यों निकलते रहते हैं। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आप लोगों के फेस पे ना पिंपल्स बार बार निकलते होंगे। तो बार बार पिंपल निकलने का रीज़न क्या होता है कि जब हम अपने खाने में ना ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा हाई कैलोरी वाले जितने भी फूड्स होते हैं ना, इन सब में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। जैसे कि जब हम तला भुना वाला चीज़ें खा लेते हैं, जैसे समोसा कचौड़ी, है ना, या फिर हम ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ना पित्त बढ़ जाता है। हमारी बॉडी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें से एक चीज़ है पित्त। अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है यानी अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी कि एसिड बढ़ने लगता है ज़्यादा, तो आपके फेस में बार बार पिंपल निकलने लगेंगे। और इसको बहुत सारे लोग मतलब पुराने ज़माने की भाषा में कहते हैं कि आपका पेट ना गर्म है, तो पेट गर्म होने की वजह से भी फेस पे पिंपल निकलते हैं। तो अपनी बॉडी में एसिडिटी को कम कीजिए। इसके ऊपर एक अलग से फुल वीडियो बना दूंगी कि एसिडिटी को कैसे कम करें। तो वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, फाइबर ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन मत कीजिए फिलहाल, जब तक आपका पित्त बैलेंस नहीं हो जाता। आई होप आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणिका दुल्हानी जी का, ये पूछ रही है कि अगर हम ग्रीन टी को कोल्ड करके पीते हैं यानी कि ठंडा करके पीते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होगा वेट लॉस के लिए। देखिए गणिका जी, ग्रीन टी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में ना फ़ायदा करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो अगर आप कोल्ड ग्रीन टी पिएंगी तो भी वो आपकी बॉडी को फ़ायदा ही करेगी, नुकसान करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जितना मेटाबॉलिक रेट ना गर्म यानी कि हॉट ग्रीन टी बढ़ाती है, बूस्ट करती है,
उसके कंपैरिजन में शायद 2-4% ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को डाउन कर दे, लेकिन इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स तो फिर भी आपकी बॉडी में जाएंगे। और आप ग्रीन टी को अगर आप कोल्ड पीना चाहते हो तो जितने भी डिटॉक्स वाटर बनते हैं ना कोल्ड वाले, उन पर मैं अभी अलग से वीडियोस शूट करूँगी, तो उसकी मैं पूरी सीरीज बनाऊँगी, बहुत सारे शेयर करूँगी अभी धीरे धीरे करके, तो आप वेट कीजिएगा। तो उन वाले डिटॉक्स वाटर में आप ग्रीन टी को डाल के छोड़ सकते हैं, उसको ठंडा ही पिया जाता है जितने भी डिटॉक्स वाटर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये समर डिटॉक्स वाटर की जो एक सीरीज़ है, ये मैं अलग से शूट करूँगी और अलग से पोस्ट करूँगी, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। आई होप कनिका जी आपको अपनी क्वेश्चन का अच्छा आंसर मिल गया होगा। बाकी ग्रीन टी पे एक अलग से फुल वीडियो मैं बहुत जल्दी शूट करके डाल दूँगी। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के लिए कोई फेस क्रीम पूछ रही है मन्नू शेखर जोशी जी। अगेन इनका सेकंड क्वेश्चन है ये। तो देखिए गर्मियों में ना मैं तो अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं आपको ना एक नुस्खा, एक रेमेडी बता देती हूँ गर्मियों के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा शहद यानी कि हनी, ऑर्गेनिक हो तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना मार्केट वाला ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करके आप अपने फेस पे ना 5-10 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए, आपको किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपाय है। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम पेज भी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो इसके लिए अपलोड कर रखी है, तो आप वो जाके भी वहाँ से देख सकती हैं। अगला क्वेश्चन है नितिका बनेरा जी का। ये पूछ रही हैं थिंक तिल जो होते हैं और फ्रैकल्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं क्या? जी हाँ, तिल जो होते हैं और फ्रैकल्स जो होते हैं ये एक ही होते हैं, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। तिल जो है वो मोटे काले काले होते हैं और जो फ्रैकल्स होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के धब्बे टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे हम लोगों के ना तिल होता है तो कहीं जैसे कि एक हो गया है ना, ऐसे मोटे मोटे इक्का दुक्का कहीं कहीं पर होते हैं, एक ये है मेरे यहाँ पर। लेकिन ये जो फ्रैकल्स होते हैं ना, ये हमारे फेस पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाते हैं, ये तिल नहीं होते लेकिन तिल जैसे ही होते हैं। तो आपका, आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया होगा कि तिल और फ्रैकल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसमें से अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसपे मुझे बिल्कुल पर्टिकुलर वीडियो ही शूट करके आपको दिखानी पड़ेगी, मैं ऐसे इनका जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं आपके लिए जल्दी वीडियो शूट करके डालूंगी। वेट कीजिएगा मेरी सारी वीडियोस को, इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाली वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और इस वाली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।